हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में किस तरह से नंबरिंग होती है, किस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं। तो एक नंबर क्या होता है, वो कई सारी डिजिट्स को का कलेक्शन होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 जो है ये चार डिजिट से बना है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से नंबर को डिसाइड करने के लिए, नंबर की वैल्यू बनाने के लिए हमें डिजिट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, उनकी प्लेस पोजीशन पता होनी चाहिए और एक हर एक नंबर सिस्टम का बेस पता होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, जो कि हमारा सबसे पॉपुलर नंबर सिस्टम है, इसमें जो होता है 10 बेस की तरह से होता है। इसमें 0 से 9 तक की डिजिट्स होती हैं और ये हम हर एक अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेशंस को समझता है, यूज़ करता है। तो ज़्यादातर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हम डेसिमल नंबर्स में ही केवल यूज़ करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नंबर को स्टोर करते हैं, लेटर्स को स्टोर करते हैं और दूसरे करेक्टर्स को भी कोड फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो कोड्स होते हैं वो हर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम बाइनरी कोड बोलते हैं। तो एक कोड जो होता है वो बाइनरी डिजिट या बिट से बना होता है। हर एक करेक्टर जीरोज़ और वंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो हम सबसे पहले बेस के बारे में समझते हैं। बेस क्या होता है? एक नंबर सिस्टम एन बेस उसमें हो सकते हैं। एन मतलब होता है कि एग्जैक्टली एन डिजिट्स हैं उसमें या सिम्बल्स हैं। तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 बेस यूज़ करते हैं, 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं, यानी कि 0 से 9 तक। बाइनरी सिस्टम में हम बेस 2 यूज़ करते हैं, 2 डिजिट यूज़ करते हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल सिस्टम में हम 8 बेस यूज़ करते हैं, जिसमें कि 8 डिजिट्स होती हैं। इसी तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 16 बेस यूज़ करते हैं। इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम में सक्सेसिव पोजीशन होती हैं, जो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होती हैं, जिसे हम 10, 100, 1000 बोलते हैं, जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं। तो जैसे 463 को हम 4 × 100 + 6 × 10 + 3 × 1 इस तरह से करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम 0 और 1, जिनको हम बिट्स बोलते हैं, और 8 बिट्स के कलेक्शन को हम बाइट बोलते हैं। तो बिट्स में 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन होता है, ऑन स्टेट होता है। तो इस तरह से जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर 100110 जो हमारा बाइनरी डिजिट है उसको बेस 2 लिया है। तो बेस 2 का मतलब है कि लास्ट जो 1 है उसको हमने, वो फिफ्थ पोजीशन पर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो फिफ्थ 1 × 2 की पावर 5, 0 × 2 की पावर 4, इस तरह से ये हमारा नंबर हो गया 38, जिसका कि 38 डेसिमल सिस्टम में नंबर हो गया, लेकिन बाइनरी सिस्टम में ये बेस 2 का इस तरह से नंबर होगा। तो डेसिमल सिस्टम में 38 है ये बेस 10 के साथ, और बाइनरी सिस्टम में 100110 है बेस 2 के साथ। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में होता है, इसमें 8 डिजिट्स होती हैं, तो बेस 8 होता है। तो 3, 4, 5 सपोज नंबर है, इसका मतलब हो गया 3 × 8 की पावर 2, 4 × 8 की पावर 1 एंड 5 × 8 की पावर 0। तो इस तरह से हमारा नंबर, डेसिमल नंबर जो हो गया वो 2 to 9 बेस 10 के साथ हो गया, जबकि ऑक्टल नंबर जो है वो 3, 4, 5 बेस 8 के साथ हो गया। इसी तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, जिसमें कि हमारी 16 सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। 0 से 9 के बाद हम ABCDE और F यूज़ करते हैं। तो इस तरह से टोटल 16 डिजिट्स यूज़ की जाती हैं। ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14 और एफ मतलब 15 होता है। जैसे यहाँ पर 2D3 बेस 16 के साथ यहाँ पर नंबर है, तो इसमें हम 16 बेस लेंगे। 2 × 16 की पावर 2, D=13 × 16 पावर 1 एंड 3 × 16 पावर 0। तो इस तरह से हमारा डेसिमल में जो 723 नंबर है बेस 10 के साथ, हेक्साडेसिमल में वो 2D3 होगा बेस 16 के साथ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम हर एक डेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में बेस 2 होता है, 0 एंड 1। तो यहाँ पर हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे 83 बेस 10, यानी ये डेसिमल नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 41, फिर 20, फिर 10 और ये रिमाइंडर, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पर 0 बचा, 2 5 10 में 0 बचा, फिर 2 2 4 में 1 बचा, इस तरह से। और यहाँ पर ये लास्ट में
वन हो गया। तो इस तरह से ये जो नंबर है इसको हम इस तरह से लिखेंगे लेफ्ट टू राइट 1010011 और बेस 2, तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी यहाँ पर है। इसके बाद हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर बाइनरी नंबर है 11001, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 0 उसको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 0, 2 × 1, 2 × 2 की पावर 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमारा आ गया 32। टोटल प्लस करेंगे तो नंबर आ गया 34, जो कि एक डेसिमल नंबर है। अब हम बाइनरी नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टली, और उसको 35 विद बिट्स 10, यानी कि डेसिमल नंबर हो गया। अब हम बाइनरी अर्थमेटिक सीखते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाइनरी इंटीजर्स के साथ किस तरह से करते हैं। इसके रूल्स बहुत ही सिंपल होते हैं। सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं, तो 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 0 होता है, और इसमें 1 कैरी होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। यहाँ पर 1 0 0 0 1 1 को 1 0 1 0 में हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर पहले 1, फिर ये नेक्स्ट में 10 होगा, तो 0 और 1 कैरी, इस तरह से ये हमारा 1 0 1 1 0 हो गया। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेस 2 के साथ 2 × 5, 2 × 4, 2 × 3, 2 की पावर 2, इस तरह से करेंगे तो हमारा नंबर 45 ये डेसिमल सिस्टम में हो गया। इसी तरह से और एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 0 − 0 0, 1 − 0 1, 1 − 1 0, एंड 0 − 1 1 होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, 1 1 1 0 1 1 में से हम 1 0 0 1 1 को माइनस करेंगे, तो 1 − 1 0, फिर 1 − 1 0, 0 − 0 0, 1 − 0 1, 1 − 1 0, एंड 1, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से अगर हमें बोरो लेना होता है तो हम यहाँ पर 10 बोरो लेते हैं, और 10 − 1 1 होता है। तो इस तरह से ही हमारा रिजल्ट जो भी कुछ रिक्वायर्ड होता है वो हमें मिल जाता है। इसके बाद हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 0 × 0 0, 0 × 1 0 0, सिर्फ 1 × 1 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर को ऊपर के सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ही फर्स्ट रो में हो गया, फिर सेकंड नंबर को करेंगे, फिर थर्ड नंबर को, और फिर इन तीनों को ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नंबर आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद हम बाइनरी डिवीज़न के बारे में सीखते हैं। बाइनरी डिवीज़न में डिवीज़न बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि यहाँ पर हम एक करके देखते हैं। जैसे 1010 को यहाँ पर हम 101 से डिवाइड करते हैं, तो 1, तो इस तरह से 10 आंसर हो गया। तो 10 जो है वो अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 1 + 1 × 2 की पावर 0, दैट इज 2 + 0, तो आंसर हो गया हमारा 2। इस तरह से हमारा आंसर 2 हो गया डेसिमल सिस्टम में। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी, कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है, जो उसमें कि हर एक करेक्टर को जीरोज़ एंड वंस में काउंट किया जाता है, और जो किसी नंबर का नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो डिपेंड बताता है कि उसमें कितनी नंबर्स यूज़ किए गए हैं। जैसे 10 जो है वो डेसिमल सिस्टम का बेस है, 2 जो है वो बाइनरी सिस्टम का बेस है। ऑक्टल नंबर में सिस्टम में 8 बेस होता है, 16 सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस तरह से हम अलग अलग नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।